हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपाइन पीसीएस। आज हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आर्थिक और सतत विकास में एपिसोड नंबर 9, जिसमें कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक, उसके स्थापना, कार्य प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत हम लोग सारे टॉपिक का विवरण हम लोग देखेंगे, जो कि आपका भारत में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमेशा एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज है, अब हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगे। आपको बस मोबिसाला ऐप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें इंस्टीट्यूट कोड ऐड करना है ASPR 3939। हमारे जितने भी कोर्स हैं वहां पर आपको उपलब्ध रहेंगे। साथ ही आप अगर अध्ययन सामग्री परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इसका स्थापना के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा कि इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों इसे स्थापित किया गया, जो कि आज के डेट में ये एक आपका केंद्रीयकृत बैंक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक, या फिर इसे हम लोग शीर्ष संस्था के नाम से भी जानते हैं। शीर्ष मतलब कि सबसे प्रमुख, जितने भी बैंक है उनमें सबसे प्रमुख जो बैंक होगा और सारे बैंकों का नियंत्रण करता जो होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ही होगा। सबसे पहले इसका स्थापना के समय हम लोग बात करते हैं। आपको याद होगा जब हम क्रमिक विकास के बारे में डिस्कस कर रहे थे आपका बैंकों का, तो उसमें आपका एक नाम आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बना था। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तीन प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को आपस में मिलाकर विलय कर स्थापित किया गया था। प्रारंभ में जिस समिति के द्वारा, जिस आयोग के द्वारा इस बैंक का स्थापित किया गया था, इसी बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में भूमिका के तौर पर इसे बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं, भारत में चैम्बरलेन कमीशन जो बनाया गया था ब्रिटिश शासन में 1914 में, अपनी रिपोर्ट में बताया कि तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए, मतलब कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को प्रारंभ में ही केंद्रीयकृत बनाने का प्रस्ताव मिला था कि स्थापना की जाए। इसी रिपोर्ट की संतुष्टि पर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लेकिन उस समय बहुत सारे जो सेक्टर्स थे, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कार्य था उस समय एक जनरल बैंक के जैसा भी काम था, भारत जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके भी बैंक के जैसा कार्य करता था, जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, जो मुद्रा बाजार है आपका, और जो आपका पूंजी बाजार है उसे भी कंट्रोल करने का काम इसी बैंक के द्वारा ही किया जाता था, जो फाइनेंशियल सिस्टम है चलाने का काम इसी के द्वारा था, तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी बैंक के पर थी। तो उस समय और भी चीजों को ध्यान में रख के, या फिर जो अन्य आयोग और कमिटी बनाए गए, उसमें सबसे प्रमुख था 1926 में बना हुआ आयोग, हिल्टन यंग कमीशन। जब इस कमीशन को बनाया गया आपका, तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया उसमें बताया कि जो केंद्रीय बैंक है वो दूसरा बैंक को स्थापित किया जाए, मतलब कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अपने स्थान पर वो कार्य करते रहे और केंद्रीय बैंक के रूप में किसी अन्य बैंक को स्थापित किया जाए, जिसका नाम दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की नाम की संतुष्टि की गई थी। और इसी आयोग के आधार पर आपका 1934 में भारतीय अधिनियम 1934 लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हीं प्रावधानों को शामिल करते हुए 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। स्थापना के समय कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब इसका स्थापना किया गया था तो इसका जो केंद्रीय कार्यालय, मतलब कि हेडक्वार्टर जो इसका था आपका मुख्यालय, वो आपका कोलकाता में था। फिर बाद में 1937 में इसका जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय या मुख्यालय, अस्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया, और आज भी वर्तमान में भी इसका मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। जब ये बैंक स्थापित हुआ था एज अ निजी संस्था के तौर पर, ये निजी या फिर प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक था। केंद्रीय कार्यालय क्या होता है, तो ये केंद्रीय कार्यालय वह होता है जहां पर गवर्नर और जो इसके हेड मेंबर होते हैं या फिर केंद्रीय बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वहां पर बैठकर नीति निर्धारण करते हैं, सारे काम को अपना करते हैं।
बाद में आपका इसी बैंक को, चूंकि बैंक जब ये स्थापित हुआ था आपका निजी स्वामित्व वाला बैंक था, तो जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार हमने बताया भी था आपको पहले एपिसोड नंबर 8 में कि जब बैंक स्थापित हुआ था आरबीआई आपका, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय जो वित्तीय स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। तो ऐसे में बैंकों को अपने नियंत्रण में करना था, तो सबसे पहला जो काम किया गया भारत सरकार के द्वारा 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि अपने नियंत्रण क्षेत्र में लेना। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और आजादी के बाद ये स्थिति थी। कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था, तो उस समय तो आपका जब भारत का बंटवारा तो 1947 में हुआ था, मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही अंग थे और भारतीय रिजर्व बैंक भी आपका उन्हीं के लिए काम भी करता था उस समय भी। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कब तक ये बैंक काम करता रहा, तो जून 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा, क्योंकि बांग्लादेश अलग नहीं था, बांग्लादेश तो आपका बहुत बाद में बना था, इसीलिए पाकिस्तान के बैंक के रूप में भी जानेंगे, मतलब कि आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक साथ थे और 1948 तक रिजर्व बैंक ही उसका केंद्रीयकृत बैंक था। म्यांमार, आपको याद होगा म्यांमार भी भारत का ही अंग था लेकिन ब्रिटिश ने उसे अलग कर दिया था, तो म्यांमार जो पहले उसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो मार्च 1947 तक भी आरबीआई ने सरकार के बैंकर के रूप में भी म्यांमार के लिए भी काम किया था, मार्च 1947 तक। अब इसका केंद्रीय बोर्ड, जैसा कि हमने बताया कि जो केंद्रीय जो कार्यालय होता है वहां पर केंद्रीय बोर्ड बैठता है और इसमें आपका भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और जो आरबीआई में स्थापित होते हैं जिन्हें नियुक्ति किया जाता है वो सारे इस बोर्ड में बैठते हैं और अपने जो नीति निर्धारण है उसका करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इसमें सबसे जो हेड होता है उसे हम लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो कौन गवर्नर है, शशिकांत दास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर पहले थे, उन्हीं को गवर्नर बनाया गया है। और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर होते हैं, गैर सरकारी निदेशक भी उसमें होते हैं जो सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। उसमें आपका विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि आपका इंडस्ट्री से, कॉमर्स से, लॉ एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, उसमें 10 निदेशक होते हैं और 2 सरकारी अधिकारी भी होते हैं जो वित्त मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का उसका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके अलावा 4 निदेशक भी होते हैं, 4 निदेशक जो 4 स्थानीय बोर्ड होता है उनमें से प्रत्येक एक का चुनाव किया जाता है। जैसा कि हमने बताया ये 4 लोकल जो बोर्ड है या फिर 4 स्थानीय बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी समझना होगा। हमने बताया कि हेडक्वार्टर होता है जो कि वर्तमान में मुंबई में है, मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय। इसके अलावा आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड, 4 स्थानीय बोर्ड भी है, लोकल बोर्ड। 4 स्थानीय बोर्ड 4 क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो स्थानीय बोर्ड है आपका वो मुंबई में है, दूसरा आपका कोलकाता में है, तीसरा आपका चेन्नई में है और चौथा आपका नई दिल्ली में है। इन्हीं 4 लोकल बोर्ड में, स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं और प्रत्येक में से एक एक जो केंद्रीय बोर्ड में है उनका प्रतिनिधि करते हैं 4 निदेशक के तौर पर। केंद्र सरकार के द्वारा ये 4 स्थानीय बोर्ड के जो मेंबर है वो नियुक्त किए जाते हैं सदस्य को और इनका कार्य अवधि जो होता है 4 वर्ष के लिए होता है। हेडक्वार्टर 4 स्थानीय कार्यालय के अलावा आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 4 उप कार्यालय भी हैं जो अधिकांशतः राज्य की जो राजधानी होती है, कैपिटल होता है, वहां पर स्थित है। अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर तो अभी हमने बताया कि वर्तमान में जो गवर्नर है शशिकांत दास हैं जो कि 25वें स्थान पर हैं, 25वें स्थान पर नियुक्त किए गए हैं शशिकांत दास जो पहले एक आईएएस ऑफिसर थे। इससे पहले आपका उर्जित पटेल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उससे भी पहले आपका रघुराम राजन थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल किया भी था। अब बात करते हैं पहले गवर्नर कौन थे। 1935 में स्थापित हुआ था आरबीआई, तो 1935 में जब स्थापित हुआ था आरबीआई तो उस समय जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे आपका सर ऑसबोर्न स्मिथ थे जो कि ब्रिटिश थे। दूसरा जो गवर्नर थे, पहला गवर्नर तो हमने बताया, दूसरा गवर्नर इसमें मेंशन नहीं, उसे आप नोट कर लीजिएगा, सर जेम्स टेलर।
जेम्स टेलर जो आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे। तीसरे गवर्नर जो थे आपका सीडी देशमुख थे, आरबीआई के तीसरी गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। सबसे खास बात यह है कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तीसरे गवर्नर के बारे में हम बात करें जो आपको नोट करना है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं पहले और दूसरे जो ब्रिटिश व्यक्ति हैं उन्हें गवर्नर बनाया गया था। प्रथम भारतीय गवर्नर सर सिड्डी देशमुख को बनाया गया था, और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर भी थे सर सिड्डी देशमुख, मतलब कि 1947 के बाद। और सर सिड्डी देशमुख के ही कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ये प्रश्न बहुत ज्यादा चांसेस है और पूछे भी गए हैं आपका कि किन के कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस गवर्नर के कार्यकाल में। तो सर सिड्डी देशमुख के कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1969 जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार 14 बैंकों का, उस समय जो इसके गवर्नर थे एल के झा गवर्नर थे। पहली महिला डिप्टी गवर्नर जो थी आपका केजी उड़ीसी जो थी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली डिप्टी गवर्नर, महिला डिप्टी गवर्नर थी। इन्हें 2003 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि आपको नोट करने हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये तो सारे हो गए स्थापना से संबंधित, केंद्रीय बोर्ड से संबंधित, वो हमने आपके साथ अब डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शंस में, मतलब कि आरबीआई क्या क्या कार्य करती है। आरबीआई को बहुत सारे क्षेत्रों में एक अधिकार है, मतलब कि उसके अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है अपना एक शीर्ष संस्था है, शीर्ष संस्था जो डिसीजन देगा आपको मानना है, चाहे वो आपके अगेंस्ट में या फिर आपके फेवर में डिसीजन दे। उसी तरह आरबीआई की द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे सारे बैंकों को मानना पड़ेगा, और वो चीज आपका लागू भी उनको करना है। और जो आरबीआई इसके अलावा बहुत सारे और कार्य करते हैं, सारा बैंकों का नियंत्रण करना है, और इसके अलावा एक अधिकार उनको और क्षेत्र में है, जैसे कि जो नोट का प्रिंटिंग होता है उनको प्रिंट करने का काम, छापने का काम आरबीआई के पास है। इसके अलावा कोई और संस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। सिर्फ वित्त मंत्रालय जो है आपका एक रुपए के नोट और जितनी भी क्वाइंस होते हैं, सिक्के जितने भी होते हैं, उनको बनाने का काम वित्त मंत्रालय का होता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है। उसके पास 1 रुपए के नोट और जो क्वाइंस होते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, 1 रुपए के नोट और क्वाइंस, इसमें क्वाइंस भी ऐड कर दीजिएगा, सिक्के, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, को छोड़कर बाकी जितने भी 1 रुपए के जितने भी एबव नोट है, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के और 2000 के, वो सारे नोट कौन छापता है आपका, आरबीआई के द्वारा। एक होता है वितरण करना, ये तो छापने का काम हो गया। अब वितरण करने का मतलब क्या है, छापने का मतलब अलग है और वितरण करने का मतलब अलग है। छापने का मतलब कि उसको प्रिंट करने का या फिर मिंट करने का। ढालने का काम, मिंटिंग होता है, मतलब सिक्का को बनाया जा रहा है। और जो आपका प्रिंटिंग होता है, जो करेंसी जो नोट होते हैं उनको छापने का काम किया जा रहा है। छापने का तो हमने यहां पर देख लिया कि जो 1 रुपए के नोट और सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, और बाकी जितने भी करेंसी नोट है वो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। लेकिन जो वितरण किया जाता है, मतलब वितरण करने का मतलब कि ये सारे क्वाइंस और जो क्वाइंस और नोट है वो लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे, तो ये सारे काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जब भी करेंसी को छापती है, नोट को छापती है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसी है जो उसके द्वारा बनाए गए हैं, उसका पालन भी करना पड़ता है। अगर भारत सरकार ने बोल दिया कि हमें 2 लाख करोड़ हमको छपाई करना है नोटों का, तो सबसे पहले इसका जो नॉर्म्स होता है कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को उसको बना के रखना है। ये न्यूनतम रिजर्व प्रणाली क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है। जब भी किसी भी समय आरबीआई नोटों की छपाई करती है, जो कि भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर, उनके द्वारा रिक्वेस्ट पर ही भारत आरबीआई नोटों की छपाई करती है, तो उसे न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाया जाता है, जो कि इस प्रणाली के तहत 1957 से
ये कब से लागू हुआ है, 1957 से। आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना होगा, उसके बाद ही नोटों की छपाई की जा सकती है। और 200 करोड़ में किस तरह से उसे रख सकते हैं, क्या वो करेंसी में होना चाहिए या फिर विदेशी मुद्रा में या फिर किसी भी गोल्ड में या फिर वैल्यूएबल गुड्स में, तो इसमें दो तरह के रूल है। 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए, और शेष जो मुद्रा है 85 करोड़ रुपए वो विदेशी मुद्रा हो सकता है, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ आपका विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी। और जरूरत पड़ने पर ये न्यूनतम प्रणाली अगर उसके पास रिजर्व है तो वो सरकार की अनुमति के आधार पर नोटों की छपाई कर सकता है। अब ये नोट कहां कहां छपते हैं, तो भारत में चार जगह हैं जहां पर नोटों की छपाई की जाती है। महाराष्ट्र में देवास, महाराष्ट्र में आपका नासिक, जो देवास है आपका वो एमपी में पड़ता है मध्य प्रदेश में, मैसूर जो आपका कर्नाटका में, और सलबोनी जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। जो इसका कंट्रोलिंग किया जाता है दो संस्था को एक साथ, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं भारत में हमने बताया चार प्रेस है जहां पर नोटों की छपाई की जाती है आरबीआई के द्वारा। नासिक और जो देवास में है, जो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, आपका सुरक्षा प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा देख रेख में उसकी छपाई की जाती है, जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग के पास है इसकी कंट्रोलिंग। नोटबंदी जब हुआ था आपको याद होगा, नोटबंदी आप भी उसको फेस हुए होंगे, 500 और 1000 रुपए का नोट को बंद कर दिया गया था, तो उसके बदले 500 और 2000 के नोट जल्दी जारी हो गए थे। तो उस समय जो 500 रुपए के नोट छपाई की जा रही थी, प्रतिदिन 20 लाख नोट छप रहे थे, और ये जो दो संस्था था आपका नासिक और देवास में, वहीं पर 500 रुपए के नोट बने थे। दो अन्य प्रेस है, मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है और सलबोनी जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में वाले नए 2000 के नोट की छपाई वहां से की गई थी आपका। और भी अन्य नोट बनते हैं लेकिन ये प्रमुख थे, इसीलिए चूंकि नए नोट आए थे इसलिए हमने इसके बारे में बताया। अब ये जो नोट बनाने में जो पेपर यूज किया जाता है, आप भी देखते होंगे वो एक लंबे समय तक टिका भी रहता है और जल्दी वो स्क्रैप भी नहीं होता है, मतलब कि वेस्ट नहीं होता है, तो उसका जो पेपर होता है वो कहां से मिलता है इन दोनों संस्था को, दोनों जगह, चारों जगह। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित सरकार का एक संचालित कार्य मिल है, जिसे हम लोग सिक्योरिटी पेपर मिल, सुरक्षा पेपर मिल के नाम से जानते हैं। सभी चार जो प्रेस है आपका देवास में, नासिक में, मैसूर में और सलबोनी में, उनके लिए नोट बनाने में होने वाले जो विशेष मुद्रा कागज है उसकी आपूर्ति इसी सुरक्षा पेपर मिल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ये स्थित है। अब क्वाइंस का बात करते हैं, सिक्के का। अभी तक हमने नोट की छपाई जो की जाती है चार संस्था से उसके बारे में देखा। अब जो सिक्के बनाए जाते हैं वो कहां कहां बनाए जाते हैं, पहला आपका मुंबई में, इसके लिए चार जगह है। सिक्के के जो ढलाई की जाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिंटिंग का काम, MINTING, मिंटिंग, और जो नोट का छपाई की जाती है उसको प्रिंटिंग का काम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंटिंग। जो ये मिंटिंग किया जाता है, ढलाई किया जाता है सिक्के का, वो चार जगह भारत में किया जाता है, एक मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा हैदराबाद में और नोएडा में। जितने भी सिक्के हैं उसकी छपाई की जाती है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि जो सिक्के ढाले गए हैं, मिंटिंग किया गया है, वो कहां से बने हैं, तो उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, उस आधार पर पता चलता है। जैसे कि हमारे पास ये 1 रुपए का सिक्का है, आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर देखिएगा 1989 में ये छपा हुआ है, मिंटिंग हुआ है, ढलाई किया गया है। इसके नीचे एक देखिएगा स्टार मार्क दिया हुआ है, स्टार मार्क से मतलब ये पता चलता है कि ये हैदराबाद में बना हुआ है। आपके पास कोई भी क्वाइंस होगा आप उसे निकालिएगा, जरूर उसमें चेक कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, अगर डायमंड टाइप का, ईयर के नीचे डायमंड टाइप का मार्किंग किया हुआ है, तो इसका मिंटिंग जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है। बहुत सारे ऐसे भी सिक्के होते हैं जहां पर कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी मार्क नहीं है, प्लेन है पूरा, सिर्फ उसमें जो कितने रुपए का सिक्का है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो
कोलकाता में वो मिंटिंग किया गया है। स्टार मार्क है जैसा कि हमने बताया, जो आपके 1 रुपीज का कॉइन्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये हैदराबाद में मिंटिंग किया गया है। अगर डॉट मार्क है तो ये नोएडा में आपका बनाया गया है, मिंटिंग किया गया है, ढाला गया है। इस तरह से पहचाना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला कार्य हमने देख लिया कि आरबीआई किस तरह से सिक्का और जो आपका क्वाइंस है या फिर जो आपका करेंसी नोट है उसमें किस तरह से उसको एकाधिकार मिला हुआ है और वो किस तरह से कार्य करती है। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर भारत सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है। जैसे कि आप एक पब्लिक है, हम पब्लिक है, तो हमारा बैंक कौन होगा? जहां पर हम अपने अकाउंट खुलाते हैं तो भारत सरकार का भी बैंक होगा जहां से वो सारे वित्तीय काम करती है। तो ये सारे जो एकाधिकार है आरबीआई के पास है, भारत सरकार में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बैंकिंग जितने भी कार्य होते हैं वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके अलावा भारत सरकार को, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को आर्थिक सलाह देना, मौद्रिक नीति बनाने से संबंधित मामलों को उनको उपयोगी सलाह देना, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का भी काम करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा आपका यहाँ पर है बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य है। जैसा कि हम इनिशियल में बताए थे कि जितने भी बैंक होते हैं आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं। हमने आपको यहाँ पर देखा था कि जो भारत में वित्तीय काम होते हैं, कुछ आपका संगठित क्षेत्र होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि लॉ और नियम के तहत चलते हैं, संगठित क्षेत्र, और कुछ आपका असंगठित क्षेत्र होते हैं, मतलब कि देसी बैंकर के नाम से जाना जाता है, साहूकार, महाजन जो लोन देते हैं आपके गांव घर में, जमींदार जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि आपका उन्हें बोला जाता है देसी बैंकर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उनके लिए कोई नियम नहीं है, अगर वो चाहे तो 15% के हिसाब से भी मंथली के बेसिस पर वो ब्याज पर लोन देते हैं, तो उस पर कंट्रोलिंग आरबीआई का नहीं होता है। जितने भी संगठित क्षेत्र के बैंक होते हैं उन पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, असंगठित पर नहीं। तो बैंकों का बैंक, सारे नीति नियम है जो बनाने का काम करती है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्य में क्रेडिट का नियंत्रण। जैसे कि आपको पता है कि बैंक क्या करती है, एक कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई का। एसबीआई क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट जमा उसे स्वीकार करती है, जमा स्वीकार करती है, तो जमा स्वीकार करके अपने पास तो नहीं रखती है, ये लोगों को लोन देती है, ऋण देती है। लोग क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं, उसके बदले ब्याज पे करते हैं। जमा जब स्वीकार किया जाता है बैंक के द्वारा तो बैंक भी उन्हें इंटरेस्ट देती है। ये काम हमेशा चलते रहता है, आप बैंक में जाइए पैसा डिपॉजिट कीजिए, बैंक अब उसे लोन देती है किसी अदर पर्सन को जिसे जरूरत होती है। तो ये काम हमेशा डे टू डे ये चलता रहा है, इसी से तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपका एक पटरी पर लाया जाता है, क्योंकि जिन्हें फाइनेंस की जरूरत है वो लोन लेते हैं और जिनके पास सेविंग्स से है वो जमा करते हैं। अब ये नियंत्रण करना, इस पर भी जरूरत है। अब क्यों जरूरी है, जमा स्वीकार करना में तो उस पर तो नियंत्रण नहीं है, जिसके पास जो फंड है वो जमा कर सकता है, लेकिन ये लोन देने का जो सिस्टम है उस पर कंट्रोल करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसी को बोला जाता है क्रेडिट का नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का नियंत्रण मींस क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि जो लोन दिया जाए लोगों को, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, वो इतना दिया जाए कि मार्केट में उससे महंगाई या फिर जो इन्फ्लेशन है उसकी स्थिति उत्पन्न न हो। अगर लोगों के पास, आप एक सीधा सा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स तरह से उसी तरह पूरे भारत के लोग हैं, 135 करोड़ आबादी है, अगर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा तो किसी भी चीज को परचेज करने में क्या होगा, उनके खरीदने की जो क्षमता होगी, मान लीजिए आपके पास पहले 100 रुपए था, आपने बैंक से लोन लिया, आज आपके पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था, तो आप कुछ भी चीजों को लिमिटेड वे में खरीदते होंगे या फिर आप जो सस्ती चीजें होती होंगी उन्हें आप खरीदते होंगे, लेकिन आपके पास लोन लिए, आपके पास 10,000 रुपया आ गया। अब आप क्या कीजिएगा कि जो आपको जरूरत की चीजें नहीं है वो भी खरीदने के लिए आप सक्षम हो गए, आप खरीद सकते हैं कि अपने आप को सोसाइटी में दिखाने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है उसको, पहले वो कम दाम पर मिलता था नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से उसे ज्यादा दामों पर मंगा भी सकते हैं। तो मतलब इसी से तो महंगाई बढ़ती है, अगर लोगों के पास पैसे हैं
ज्यादा आपके पास पैसे इनकम आपका इंक्रीज किया तो आपका परचेजिंग पावर भी इंक्रीज करता है। हम यहाँ पर लॉ ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, जो आपका मांग का जो नियम है उस पर हम बात कर रहे हैं। पैसे आपके पास ज्यादा रहेंगे, आपके परचेज करने की खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ेगी, वस्तुओं का मांग बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका डिमांड जितना किसी वस्तु का बढ़ता है उसी के बेसिस पर उसका प्राइस भी जो आपका है वो इंक्रीज करता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रण करने की जिम्मेवारी भी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रण करने, जो ऋण दिया जाता है उसको नियंत्रण और विनियम कंट्रोल करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का उपयोग करता है। अब ये चीज देखते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक क्या होता है। तो ये कंट्रोल क्रेडिट नियंत्रण करने के तरीके हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, तो क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट नियंत्रण जो है आरबीआई करती है। और क्रेडिट निर्माण कौन करता है, क्रेडिट निर्माण इसका फॉर्मेशन कौन करता है, जब हुआ होगा तभी इसको नियंत्रण किया जाएगा, तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, जनरल बैंक है, उनके द्वारा किया जाता है। अब ये नियंत्रण का बात करते हैं तो क्रेडिट नियंत्रण दो तरह से किया जाता है, गुणात्मक तरीके से। गुणात्मक मतलब ये नाम से भी आपको चल रहा होगा पता, इसे हम लोग इंग्लिश में क्वांटिटेटिव कंट्रोल के नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो रेट होते हैं, जो भी रेट होते हैं उसमें या तो मार्केट में सिचुएशन के अनुसार उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, इंक्रीज किया जाएगा, या फिर उसे डिक्रीज किया जाएगा। कल का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, उसमें बताया जा रहा है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसीज हुआ, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट भी आपका कम कर दिया गया है। तो उसका क्या कारण था, आगे हम लोग उसको समझेंगे भी कि आखिर ये क्यों करती है। और इस तरह बैंक रेट, CRR जिसे हम लोग नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जानते हैं, SLR वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो ये सारे गुणात्मक नियंत्रण होते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम लोग जब मौद्रिक नीति आपके साथ स्टडी करेंगे, चूंकि ये मौद्रिक क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है, तब वहां पर एक एक डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका होता है परिमाणात्मक नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव मतलब कि कुछ नियम बनाए जाएंगे, जैसे कि KYC नॉर्म्स होता है, KYC नो योर कस्टमर। आप बैंक में खाता खुलवाने जाइएगा तो आपको एक अपना डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट और एक आपका आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसको जमा करने कीजिएगा, तभी आपका कंटिन्यू अकाउंट होगा। बहुत सारे लोगों का जमा नहीं था, जब से ये KYC नॉर्म्स था तो आपका अकाउंट क्लोज भी हो चुका था, तो KYC जमा करने के बाद वो कंटिन्यू करता है। अब जिसके पास KYC नहीं, वो खाता नहीं खुलवा सकते हैं, मतलब कि वो लोग ऋण नहीं ले सकते हैं, तो भी एक इनडायरेक्ट वे से कंट्रोलिंग किया जाता है। RBI बोल दिए कि 50,000 रुपए से ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं, क्लियर है, तो ये भी आपका एक परिमाणात्मक नियंत्रण है। RBI बोल देता है कि अगर आप 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं तो आपका पैन कार्ड कंपलसरी है, तो ये आपका एक परिमाणात्मक नियंत्रण है। मतलब कि इसमें किसी वे से रूल बना दिया जाएगा, चाहे वो नैतिक दबाव आप पर बनाया जाए, क्रेडिट राशनिंग या फिर मार्जिन मनी में अंतर के आधार पर ये सारे नियंत्रण किया जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, क्रेडिट का नियंत्रण होता है। जब आपके साथ हम मॉनेटरी पॉलिसीज आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक एक करके सभी को समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे परीक्षा में मेंस के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका RBI के कार्य में हम लोग स्टडी करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होता है उसको संरक्षक, उसका रिजर्व करने का जो दायित्व है, एक अधिकार है, वो RBI के पास है। फॉरेन करेंसी या फिर RBI ने अपने जो अथॉरिटी जिस बैंक को, जिस संस्था को देके रखा हुआ है, वो सारे कर सकते हैं। इसमें आपका विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले डे टू डे आपका रुपीस का स्थिति क्या हो, खराब होती जा रही है। आज डॉलर का मुकाबले एक रुपए, जो रुपीस का वैल्यू हो 75 रुपीस से भी ज्यादा हो गया है,
तो इसको भी नियंत्रण करने का काम, इसको भी देख रेख करने का काम, रिजर्व रखने का काम, फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करने का काम, उसे सुरक्षित रखने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या फिर आरबीआई ने जिस बैंक को अथॉरिटी दे के रखा हुआ है। स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा को खरीदता है और उसे बेचता भी है, और विदेश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेश विनियम बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे कि आपूर्ति इसकी बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को फिर खरीदेगा। क्लियर है? वर्तमान में भारत विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर में है। ये सारे जो काम किए जाते हैं डॉलर में ही किया जाता है। आरबीआई के अभी तक हमने 5 महत्वपूर्ण कार्य देख रहे हैं, उस तरह से किस तरह से काम करती है। इसके अलावा आरबीआई बहुत सारे काम करती है, हम लोग यहाँ पर सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तक जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर हमने गौर किया। इसके अलावा अन्य कार्य के रूप में, जैसे कि आपका जो कृषि के लिए ऋण है, जो कि आज के डेट में नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, वो सारे कार्य, जितने भी डेवलपमेंट बैंक हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग के लिए, जो भी बैंक स्थापित किए जाएंगे, वो तो भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसका जो सलाह मशवरा है आरबीआई के साथ लेके ही डेवलपमेंट बैंक, जो विकास बैंक है, उसको स्थापित किया जाता है। साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री करना, व्यापारिक बिलों को खरीद बिक्री करना, साथ ही आपका सरकारी खरीद के लिए आपका ऋण देना, वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करती है आरबीआई, और साथ ही आपका मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि करना, और साथ ही आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वर्ल्ड बैंक या फिर जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्था है, उनमें भारत सरकार के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आरबीआई ही काम करती है, और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी आरबीआई के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उनमें किया जाता है। तो ये सारे कार्य थे। वार्षिक रिपोर्ट भी ध्यान में रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट भी बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करके लोगों का, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय है, या फिर आपका अभी जो ग्रोथ रेट है, बात करें वृद्धि दर, कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो वृद्धि दर की भी बात की जा रही थी कि COVID-19 की वजह से 2020 और 2021 का जो वृद्धि दर होगा वो निगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि इस साल तो सारे चीज बंद है और एक लंबे समय तक बंद रहे हैं, इसका असर भारत पर पड़ेगा। तो ये सारे रिपोर्ट कलेक्ट करके, आंकड़े एकत्रित करके रिपोर्ट भी जारी करने का काम आरबीआई के द्वारा आज के डेट में किया जाता है। ये सारे कार्य के बारे में हमने आपके साथ यहाँ पर स्टडी किया है। इसके आगे आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति है, जो आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 में जो क्रेडिट का नियंत्रण के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही हम लोग आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज में स्टडी करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टू द अपडेटेड हो गया, जो कल का जो मौद्रिक नीति समीक्षा किया गया था उसके आधार पर सारे चीज डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे कि आप एग्जाम में सारे सही से आंसर देके आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एपिसोड नंबर 10, आरबीआई का जो मौद्रिक प्रणाली है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।